भाई नडाल यार रेड ऑफ टेस्ट लेन ए बोला फिर इनु का देख खिलाड़ी खाओ हडूप या है 2022 23 में 2 फरवरी ने एक्सपायर हो ली एक्सपायर लेगा रहे हैं एक हो गया या 2023 में छठे महीने में एक्सपायर हो ली होगी या भाई ने भीतर तक ली हाँ कोई नहीं बोल इसमें ब्लड रखा रही है भाई या है 23/11/2023 ने एक्सपायर हो लिया अभी एक बार दियो डॉक्टर हुआ ए ये है भाई एक या 22/12 ने एक्सपायर हो ली क्योंकि ये सारे इब हम कोई टूर्नामेंट में नहीं एक या है या 22/8 ने एक्सपायर हो ली या देखो ये इस महीने हो रही है ये इस महीने एक्सपायर हुआ है ये कैसे देते ये डोप टेस्ट मारे हैं इतना तो कोई टूर्नामेंट खेलते हम सर्जरी कराई थी सर्जरी के बाद दूसरा सैंपल है और जब तक प्रोटेस्ट में बैठे है 8 मागनोमा सैंपल लेना आए हैं ये भाई जब टूर्नामेंट में खेलते जब की बात है ये नहीं सैंपल देवा खिलाड़ी बहंगाव है सैंपल देवा है तो ये चलो ये तो हमने देख ली अगर किसी जूनियर बच्चे का लेना रहे हो तो वो ये चेक कर नहीं करा क्योंकि मेरे दोस्त भाई ये डॉक्टर है टीम है इसने चेक कर ली लेकिन भाई नु का देह भाई मेरी तो गलती नहीं भाई हम आपकी गलती नहीं बताते जो आपके ऊपर मगरमच्छ बैठे है ना जो जबरदस्ती फसाना आपका नहीं बनता जो जबरदस्ती आपका वीडियो नहीं डालेंगे हम अपना डालेंगे आपके ऊपर जो मगरमच्छ बैठे है ना वो ये काम कर रहे हैं बच्चों को जबरदस्ती फसाना मैं नाम नहीं बताऊंगा एक लड़की जो केस में है जो नहीं टूटी उसको भी ब्रजभूषण के लोगों ने ये बोला है कि डोप वाले आए होंगे उसको जबरदस्ती डोप में फंसाया गया है क्योंकि वो टूटी नहीं ब्रजभूषण से किसी को पैसे देते घूम रहे हैं किसी को जबरदस्ती डरा रहे हैं पैसे दे रहे हैं डरा रहे हैं अब डोप की बारी आ गई तो उन्होंने खुद बोला कि डोप वाले आए होंगे घर पे मेरा ध्यान रखना उनको कैसे पता चला कि डोप वाले उसके घर गए हैं ये बात भी तो मायने रखती है ना उस लड़की का स्टार्ट होने से पहले ही करियर खत्म कर दिया 20-22 साल की लड़की है वो अभी जूनियर से सीनियर में आई है वो कहां जाएगी सिर्फ एक राजनीति के चक्कर में और ये वीडियो मैं आज डालूंगा सोशल मीडिया पर क्योंकि नाडा पहले भी करप्शन में थाया था बहुत साल बाद वाडा ने उसको बहाल किया था दोबारा से वही हरकत क्योंकि ये चलता है पैसों के इशारों पे तो आज ये वीडियो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा आप भी डोप टेस्ट के टाइम ध्यान रखना खिलाड़ी।